बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मखदूम मोहम्मद ज़ैगम हाशमी कहते हैं, मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से लाहौर से है। हाजी अज़ीज़ रहमान चंद साहब की क़यादत में हम अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों को लाहौर से जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इस रैली में शिरकत के लिए आए हैं और अपनी इस रैली को कामयाब कराने के लिए आए हैं। इसलिए क्योंकि यह 120 का हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। इस हल्के का पे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ रह चुके हैं और इस हल्के की नाशुगुफ्ता पे हालत की वजह जिम्मेदार नवाज शरीफ है। इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ ने इस हल्के के लोगों को साफ पानी मुयसर नहीं किया, उनको नौकरियां फराहम नहीं की, जिनको प्लॉट दिए उनको प्लॉट मालकाना हकूक पे नहीं दिए। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको, वो मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। आसिफ अली इज़दारी साहब मुल्क अजीम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के न सिर्फ किसी दुनिया का अजीम रहनुमा है, उन्होंने अपनी मार्फत दानिश फहम से ये साबित कर दिया है। और कौम चाहती है कि पाकिस्तान की बुलतालिया मजदूर किसान पिछले में पिछले में तबका बेरोजगार बेचार मददगार चाहते हैं कि आसिफ अली जद्दारी साहब जो हैं वज़ीर आज़म बन गए, पाकिस्तान की दौड़ भाग संभालें और पाकिस्तान को तरक्की पसंद ममालिक की फहरिस्त निकाल के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करें। जो वोट लिया था 800 लिया था, एक्सपेक्टेड वोट क्या लेंगे? लास्ट है 2400 लिया था ना लास्ट टाइम 13 में, उसके हवाले से देखें जी। इस बार गुजारिश ये है कि हम मुकाबला कर रहे हैं और इस तसाली कुवतों के खिलाफ नब्बे आजमा है और हमने इंशाल्लाह ताला नवाशी को भी शिकस्त देनी है, इमरान खान को भी शिकस्त देनी है, हमने जुल्फकार अली को अली भुट्टो को वोट देना है, बेनजी भुट्टो को वोट देना है, बिलावल भुट्टो को वोट देना है, आसिफ अली इज़दारी को वोट देना है, तीर को वोट देना है, फैसल मीर को वोट देना है। Thank you.
अज़बिल्लाह मैंने शहीद वारजिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली कामरान डिल्लू। प्रोग्राम इज़हार ख्याल जो है खुसूसी तौर पर इस वक्त लाहौर मार रोड से मैं कर रहा हूँ, चूँकि हल्का एन ए 120 के अंदर जो आप देख रहे हैं इस वक्त कम्पटिशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कल पी टी आई ने अपना कुतबा चौक में जलसा किया, आज पीपल्स पार्टी अपने प्रोग्राम यहीं से लाहौर से मार रोड से, चूँकि इनका मरकजी ऑफिस इस वक्त वाक़ा है दयाल सिंह मैंशन के बिल्कुल साथ में, यहाँ से एक जो अपनी रैली लेके जाएंगे मशर बरदार रैली होगी, क्योंकि ये रीगल से असेंबली हाल तक होगी। इसमें उनके जो कारकुन हैं वो आएंगे, उनकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आएगी और खसूसत इसके जो मेन रुए रवा होंगे कमरुज़मान कायरा साहब होंगे, जो कि माजी में वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मरकज़ी जो रह चुके हैं, उस हवाले से आज की क़यादत वो करेंगे। ये NA 120 का हलका है और चूँकि इसमें इलेक्शन के हवाले से मैं बताता चलूँ, यहाँ पर इस वक्त जो इलेक्शन के हवाले से मैं बात बताऊँ तो ये ना होगा कि कंपटीशन बहुत टफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फैसल मीर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पार्टिसिपेट हैं, और हम थोड़ा सा माजी में देखते हैं यहाँ की सूरत हाल क्या रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब का जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा इसी हलके से मुंतखब होकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं, चूँकि अभी वो नाहल वज़ीर आज़म हो चुके हैं, उनकी कोई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नाहली हुई है जिसकी वजह से उनको इस अहदे से उतरना पड़ा। और इस वक्त जो इनकी सीट के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है ये 17 सितंबर 2017 को होगा, जो कि एक दफ़ा फिर इसमें कंपटीशन चूँकि ज़्यादा हो गया है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो लोग इनके पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माजी में अगर हम देखते हैं तो उस वक्त 2013 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में इनकी तकरीबन जो कारकर्दगी रही है वो ज़मानत तक इनकी जब्त हो गई थी, एक सवालिया निशान था। अब इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो कि अब ये इससे अपना जो आने वाला इलेक्शन में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले पाएंगे, हाउ इज़ पॉसिबल, ये अब उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं वो बता सकते हैं। उनके जो चीफ जो इस वक्त रूए रवा हैं, इस वक्त जो इस रैली को इनका किया है उनसे हम बात करते हैं, उनके वर्करों से बात करते हैं। वर्कर्स का जो जोशीलापन हमने देखा, चूँकि अभी रैलियों की सूरत में टोलियों की सूरत में जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने तकरीबन यहाँ पर बड़ा जोश का इजहार भी किया है, तो अब देखना ये है क्या ये रैलियाँ ये जलसे जुलूस पे आने वाले लोग इलेक्शन वाले दिन 17 सितंबर को क्या निकलेंगे, इन्हें सपोर्ट करेंगे, उस दिन क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना कबल उस वक्त होगा, चूँकि इसकी सूरत हाल इस वक्त जो है काफ़ी बहुत कंपटीशन की सूरत अख्तियार कर गई है। तो चूँकि हमने देखा यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी के बहुत ही दरीना कारकुन भी उनमें मैंने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो कंपटीशन की लहर है वो चूँकि हमने देखा आज़ाद इंडिपेंडेंट जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एक आने वाले वक्त के ऊपर एक अहम सवाल इख्तियार होगा कि क्या लोग ज़्यादा सियासी पार्टियों से आएँगे या इंडिपेंडेंट्स आएँगे। तो लगता यूँ है कि एक ये सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टियों के हवाले से बहुत ज़्यादा आवाम में मायूसी भी है, तो अब देखना यह है कि क्या ये होता है, इसमें क्या हालात बनते हैं। तो आइए नाज़रीन हम सब गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं जानते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन होंगे इस इलेक्शन को ये कैसे देखते हैं, क्या हालात होंगे, तो उसके हवाले से कारकुनों से बात करते हैं। जी
ऊपर जगह है ਆਲਾ 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 ਆਲਾ
हैं।